आज सभी भक्त ने मिलकर तेरा ये जागरण करवाया है। बड़ा ही सुंदर तेरा ये श्रृंगार किया है, बड़ा ही सुंदर तेरा दरबार सजाया है। ये बताओ कि माता रानी का श्रृंगार किस किस को अच्छा लग रहा है? हाथ उठा के बताओ, झूठ नहीं बोलना है किसी को। दादी आपने अच्छा नहीं लग रहा श्रृंगार, फिर हाथ उठा ले ना, ताऊ की सोखन लग गई। झूठ नहीं बोलना किसी ने, जिस जिसको अच्छा लग रहा है हाथ उठा के और जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए माता रानी के प्यार की। आइए भजन के माध्यम से भक्त अरदास करने लगा कि माँ के तेरा सजा दिया दरबार हे मैया, तुम देखो आके हम सब भक्तों ने तो देख लिया तेरे दरबार को, देख लिया तेरे श्रृंगार को देख लिया, लेकिन एक बार तू भी आ जा। कौन कौन चाहता है कि महामाई हमारे बीच आए? सभी चाहते होंगे हाँ, क्योंकि ऐसे तो कोई नहीं आता। कोई भी जागरण में जाए कुछ न कुछ मांगने के लिए आता है। ये मेरी दादी ने सोच ली बैठी बैठी, हे माता रानी मेरा तो छोरा ना नौकरी लगवा दे, बस तेरा मैं भी जागरण करवाऊंगी। कोई ना सोच रही सुतरी सी बहू आ जा, अरे एक बार पिछाड़ी में सोच रही है ये छोरी क्यों कर गांव है ना, सोच रही है ना। कोई नहीं, आए चलते हैं बेटी से हाजिर लेते हैं और तालियों का कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ताई चश्मे आ रही, ताई ताली बजा दी और कहने कैसे ताली बजा के तेरा सजा दिया दरबार हे मैया, तुम देखो मेरे आके देखो ने आके, तुम देखो ने आके के देखो ने आके। हेलो डाठा मार रही करो ना, हो रहा है नहीं हो रहा ना, फिर इसको हटाओ और जाकर लगाओ। बोले सच्चे दरबार की भजन गाने मेरे घर हाँ आए कैसे कि तेरा सजा दिया दरबार हे मैया देखो ने आके, तेरा सजा दिया दरबार हे मैया देखो ने आके, तेरा सजा दिया दरबार हे मैया देखो ने आके, तेरा सजा दिया दरबार हे मैया देखो ने आके। Oh,
शुरू कर दोगे? ये बताओ जागरण किसने करवाया आज? खड़े हो जाओ जिसने करवाया, पता लगना चाहिए किसने करवाया, जिसने करवाया और आ जाओ माता रानी के चरणों में। आओ आओ जल्दी आओ, क्या बात है हमारी आंटी जी और दोरानी जी, ठाणी कौन सी है? दादी दादी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, मैं लेके चलूंगी आपको, आ जाओ भाई साहब आ जाओ। और हमारे अंकल जी कहाँ हैं? देखिए हमें हमें भी पता होना चाहिए जागरण इन्होंने करवाया आज, ताकि दोबारा फिर आए जागरण करवाए। क्या बात, आ जाओ एक बार ताली बजा दो अंकल जी के आंटी जी नाम के लिए। इधर आ जाओ, पहली बात तो भगवान से कहूंगी कि भगवान मेरी माता रानी से अरदास करूंगी कि मेरी आंटी जी की और अंकल की जोड़ी बनी रहे, है कि नहीं? जोर से ताली बजाओ इनके नाम पे। देखिए ये इनका सौभाग्य बड़प्पन है, क्योंकि आजकल तो दुख तो बहुत दूर है, सुख में भी नहीं मिलते, सुख में भी अड़ोसी पड़ोसी अपने नहीं आते, लेकिन उन्होंने ये जागरण करवा के परिवार को इकट्ठा किया, क्या कि नहीं? जो गुस्सा था वो, जो नाराज थे वो भी खुश हो गए, है कि नहीं? कितनी बड़ी बात, ताली बजा दो ब्रेन के नाम पे। धन्यवाद। और अब अंकल जी और हमारे आंटी जी हाजिरी लगाएंगे नाच के, क्योंकि हमारा तो रोज का काम है, तब तक इनकी हाजिरी नहीं लगेगी जागरण सफल नहीं माना जाएगा। अंकल जी नाच के, बस हम एक काम करो, ताली बजाने अपने और नाच के क्या कहना है कैसे? धन्यवाद। शर्माना नहीं है, ठीक है? तो कह कर के जीवित जंतु पशु पर खेलो या ना
नाचे दुनिया सारी के जीव जंतु पशु पखेरु या नाचे दुनिया सारी और नाचन में के ऐ बताया तो अक्ल की होशियारी। इस दुनिया से ऐसे ऐसे महान वीर जो था नाच नाच कर चले गए। नाचते गाते हुए तीसरी बात के भक्त कहने लगा माँ मन रहती आस तुम्हारी क्या जिंदगी लाश प्यारी एक दूसरे का कोड़ी मत बैठाओ। हाँ किसने हाजरी लगा लिया सारी आ जाओ जिठाने भी दो राय और नई बहू भी पुरानी बहू भी सारी आ जाओ पर अकेले मत आओ आधार कार्ड ने साथ ले आओ। जिसका आधार कार्ड है वो तो उसने ले आओ अकेले अकेले ना चल लग रही है इनकी भी हाजरी लगवाओ। आइए आखिर में कह रहे कैसे हाजरी लगाई ताली बजा दो एक बार जितने भक्तों ने हाजरी लगाई है मिलके बोले सच्चे दरबार की बालाजी महाराज की क्या वादा।